पार्टी की तरफ से आज हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कॉल किया इसलिए क्योंकि बहुत ज़रूरी इम्पोर्टेंट मैटर के लिए हम लोग कॉल किया था। आज थोड़ा देर पहले सुबह में हम लोग एक रिप्रेजेंटेशन दिया है टू प्रकाश जावेदकर जी रिगार्डिंग EIA जो ड्राफ्ट पॉलिसी 2020 को, उसको हम लोग प्रोटेस्ट एक इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ड्राफ्ट पॉलिसी, क्योंकि जो 2006 का जो आप लोग अगर EIA देखते हैं उनका कॉम्प्लायंसेस जो था, खास तौर की पब्लिक हियरिंग और EIA मिलने का जो कॉम्प्लायंस जो फुलफिल करना चाहता, जो ज़रूरी चीज़ें जो मॉडलिटीज था, ड्राफ्ट ये 2020 में देखा है ये तो इसको बिल्कुल ही लोग डाइल्यूट कर दिया। तो इससे खतरा क्या होगा आने वाला पल समय में, जो अगर ये इम्प्लीमेंट होता है इस ड्राफ्ट पॉलिसी में, खास तौर कर हम लोग ट्राइबल एरियाज जहाँ में रिसोर्स रिच एरियाज है और इन जनरल हम लोग का नॉर्थ ईस्ट जो हॉट बायोडाइवर्सिटी है, फ्लोरा फौना बहुत रिच है, इसको ऊपर इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट जो असर होगा अगर इंडस्ट्रियलाइजेशंस और माइनिंग जो अनएम्बेटेड माइनिंग होगा विदाउट पब्लिक पार्टिसिपेशंस, तो ये बहुत डेंजरस ट्रेंड होगा। आपको बताएगा कैसे, अगर पहले जब भी जो भी इंडस्ट्रीज बैठा हो या माइनिंग हो, एनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऐसा इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, तो EIA लेना बहुत ज़रूरी है और ख़ास तौर पर पब्लिक हियरिंग होना ज़रूरी है। लेकिन ड्राफ्ट ये 2020 में ऐसा इन लोग कर दिया, डायलॉग कर दिया, अगर प्रोटेस्ट होगा, अगर कोई भी प्रोजेक्ट को ऊपर पब्लिक प्रोटेस्ट होता है तो उसको डी फैक्टो पोस्ट फैक्टो EIA दिया जाएगा, यानी कि इलीगल चीज़ें को भरपा देने के लिए। तो ऐसा होने से हम लोग को खासतौर का हम लोग का ट्राइबल लैंड धीरे धीरे कॉरपोरेट हाथ में जाने वाला है। ये इसीलिए आज सारा नॉर्थ ईस्ट में जितना भी जो एनवायरमेंटलिस्ट है जो इसको प्रोटेस्ट कर रहा है, क्योंकि 2006 में जब EIA बना, कॉम्प्लायंसेस जो बना उसमें सारा एनवायरमेंटलिस्ट लोग को सबको लेके ये EIA बनाए, लेकिन अभी जो सरकार BJP की सरकार इसमें कोई को सलाह नहीं दिया, नो कंसल्टेशन विद द एनवायरमेंटलिस्ट, मन मर्जी यानी कॉरपोरेट का दबाव में ये EIA बनाए, तो ये होने से क्या होगा, इन द नेम ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन हम लोग का लैंड चला जाएगा। एट द सेम टाइम जो कैंपर जो कॉम्पेंसेटरी एफोरेस्टेशन होता है उसको जरिए से भी हम लोग का हाथ से हम लोग का 6 acre लैंड चला जाएगा। एक तो हो गया लैंड इंडस्ट्रीज के लिए, जो लैंड जा रहा है माइनिंग का लैंड जा रहा है उसका वजह उसकी उसकी साथ जो कॉम्पेंसेटरी जो फॉरेस्ट आपको प्लांटेशन करना है वो सारा हम लोग को 6 acre से चला जाएगा, क्योंकि वो अल्टीमेटली कैंपर प्रोजेक्ट इट बिलोंग्स टू द स्टेट। तो धीरे धीरे हम लोग को 6 acre एरियाज या ट्राइबल एरियाज का लैंड धीरे धीरे हाथ से जाने का ये खतरा है, इसलिए इसको हम लोग को विरोध कर रहा है और जितना सकता है हम लोग को पूरा पब्लिक लोग भी इसको विरोध करना ज़रूरी है। लेकिन इत्तेफाक और दुख की बात है, इतना सारा होने के बावजूद भी आज कोई आवाज़ ही नहीं उठा रहा है। हम लोग कांग्रेस कब से, हम लोग का पार्टी कब से ये EIA के लेके करीब ये एक लॉकडाउन के पीरियड में 1 महीना से हल्ला कर रहा है। तो उसी समय में यहाँ पे भी इतना बड़ा बहुत सारा NGO से, सिविल सोसाइटी से, कोई बायोडाइवर्सिटी काम करता है बोला, लेकिन कोई भी ये सब अवेयरनेस कराए भी नहीं, प्रोटेस्ट करता ही नहीं। तो लास्ट में हम लोग को मजबूरी से, जैसे हम लोग को तो स्टेट्स और सेंट्रल हम लोग का जो पार्टी लीडरशिप है इसके ऊपर में तो उठा रहा है, तो आज में हम लोग इसलिए ज़रूरी समझा कि लोग समझे EIA से क्या खतरा हो रहा है और डायरेक्टली इट रिलेट्स टू जो अभी हम लोग को या मैं जो कॉम्पेंसेटरी प्रोजेक्ट्स जो कैंपर प्रोजेक्ट्स हो रहा है, जैसे आपको लोअर कोपली प्रोजेक्ट के लिए और आने वाला फ्यूचर में भी बहुत सारा प्रोजेक्ट होगा, तो प्रोजेक्ट्स में भी हम लोग का ज़मीन जा रहा है और कैंपर की तरफ से भी हम लोग को ये जो 6 acre का लैंड जो गांव वाला लोग का लैंड हाथ से चल रहा था। इसलिए ये EIA में हम लोग ऐसा लिखा है जो अगर
ये इन फ्यूचर अगर कांग्रेस आकर हम लोग बैठता है तो जितना ये EIA को जो कैंपस जो प्रोजेक्ट जो होगा इसका अल्टीमेटली लैंड शुड बी रिटर्न बैक टू द काउंसिल प्रोजेक्ट्स एंड द लैंड शुड बी बिलो हम लोग को वापस स्टेक हम लोग को काउंसिल को देना चाहिए। क्योंकि अगर धीरे धीरे इंडस्ट्रियलाइजेशन के नाम में अगर सारा कैंपा प्रोजेक्ट्स में हम लोग हाथ से अगर हम लोग को ज़मीन चला जाएगा तो फ्यूचर में हम लोग को गरीब जमीन गांव वाले लोग का रहेगा कहाँ, लोग ज़मीन कहाँ रहेगा लोग हाथ से। तो ये बहुत खतरनाक है ये लैंड ग्रैबिंग। तो धीरे धीरे कॉरपोरेट के हाथ में जो लैंड जा रहा है ये शुरुआत है, इसलिए इसको हम लोग पूरा प्रोटेस्ट कर रहा है। और डायरेक्टली ये अगर आप हम लोग का जो दिमागों में जो एक्टिविटी देखते हैं तो मैं तो ये कहूँ कि BJP का सरकार पहले से मामलों में ऐसा ड्राफ्ट पॉलिसी बना रहा है, इसलिए लोग हिम्मत से अभी बहुत सारा चीज़ें वो लोग जैसे पानीमूर का केस, इलीगल माइनिंग, वो हाथ हाँ जो सदियों से ऐसा कोई छुआ ही नहीं आज तक वैसा में हाथ लगा रहा है वो लोग, कहीं कहीं विदाउट परमिशन क्रशर्स बैठा रहा है वो लोग। तो इन लोग इन एंटीपेशन ऑफ ये हम लोग का जो EIA जो आने वाला है इसलिए वो लोग हिम्मत कर रहा है। इसलिए आज के दिन में देखिए आपको जांटिया हिल्स बोलो, खासी हिल्स बोलो, जितना भी ऑटोनोमस काउंसिल है EIA के ऊपर में वो लोग 2020 के ऊपर में ऑब्जेक्शंस ये पहले से रिप्रेजेंटेशन दे दिया है। लेकिन हम लोग का यहाँ का हम लोग का दिमाग सब का ऑटोनोमस काउंसिल जो BJP की सरकार फिलहाल जो चला रहा है, इन लोग आज के दिन में इन लोग का स्टैंड किया है वेदर दे ऑब्जेक्ट और वेदर दे आर इन सपोर्ट ऑफ इस EIA। तो ये सवाल हम लोग ये प्रश्न उन लोगों के ऊपर हम लोग कर रहा है। तो इसलिए ये एग्जीक्यूटिव कमेटी जो BJP के दे शुड कम क्लीन रिगार्डिंग EIA 2020 वेदर दे आर इन सपोर्ट और आर दे अगेंस्ट इट। इफ दे आर अगेंस्ट इट रेज योर वॉइस वी हैव नॉट सीन। तो इसलिए जो पानीमूर की एक्टिविटी हम तो डायरेक्ट ये EIA 2020 ड्राफ्ट पॉलिसी उसको रिलेट करना चाहता है क्योंकि इन लोगों को मालूम है जो EIA 2020 में क्या होने जा रहा है, इसलिए लोग हिम्मत से ये कर रहा है। तो इसलिए हम लोग का दिमागों के बसियों समझो जो EIA क्या खतरा है और इससे क्या आने वाला समय में हम लोग के लिए इन द नेम ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द नेम ऑफ आत्मनिर्भर जो बोल रहा है इसमें हम लोग का हाथ से हम लोग का ज़मीन और हम लोग का जो गाँव वाला लोग का जो हम लोग का पब्लिक हियरिंग का जो पहले एक प्रोविजन्स था आज वो प्रोविजन सारा खत्म हो जाएगा। कॉरपोरेट्स को हाथ में मन मनी लोग आके हम लोग को ज़मीन लेगा, काम में प्रोजेक्ट बैठाएगा तो हम लोग को रहेगा, हम लोग को फ्यूचर क्या होगा। तो ये बहुत बड़ा सवाल उठा रहा है हम BJP के ऊपर से BJP के ऊपर में और ये हम लोग EIA को हम लोग टोटली रिजेक्ट करता हूँ। और आने से अगर इम्प्लीमेंट भी हुआ हम लोग तो इसको तो हम लोग तो जोरदार का हम लोग हमेशा प्रोटेस्ट ही करते रहेगा बिकॉज हम लोग ये इन द इंटरेस्ट ऑफ हम लोग को इंडिजिनियस कम्युनिटीज़ बोलो यहाँ का जितना ट्राइबल बोलो इन लोग का फ्यूचर सेफगार्ड के लिए हम लोग का जगह बर्बाद करने का हम लोग बिल्कुल हम लोग ये करने नहीं रहे। थैंक यू।